Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 5th November of 2020 and it's a Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जिससे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 16 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 16 क्या डिफाइन करता है ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंडिया में किस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के इलेक्शन किस, क्या कहते हैं, आर्टिकल में मेंशन है, आपको आर्टिकल नंबर बताना है। चलिए ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ कोई डाउट हो एनालिसिस में वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या इस लोगो के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे कि जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, सारे के सारे PDF नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती रहेगी वो भी आपको कमेंट सेक्शन में मिलती रहेगी, जो आपका प्रीलिम्स के से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज की पहली न्यूज़ है, बिडेन अहेड बट नो क्लियर विनर यट। क्या कहते हैं कि जो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं, दोनों क्या कहते हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर जोसेफ आर बिडेन, दोनों लोग क्या कहते हैं अच्छी पोजीशन में है, लेकिन अभी भी जो बिडेन अभी डोनाल्ड ट्रंप से आए क्या कहते हैं कुछ वोटों से ज़्यादा हैं, लेकिन अभी भी कोई क्लियर विनर नहीं है क्योंकि 270 सीट्स पे विन है। अभी भी मेल इन वोट जो है उनकी काउंटिंग चल रही है, रात तक अभी रिजल्ट नहीं आ पाया कि कौन अगला US प्रेजिडेंट होगा। तो इसमें न्यूज़ में वही दिया गया कि विल मेल इन वोट स्टिल बीइंग काउंटेड इन की बैटल फ्रॉम स्टेट, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहाँ की वोटिंग अभी भी चल रही है, जो मेल इन वोट्स हैं उनकी अभी भी कुछ जगहों पे क्या कहते हैं अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि कौन विनर है कौन नहीं, तो इसलिए वोटिंग अभी चल रही है। तो आज शायद पता चल जाए कि कौन क्लियर विनर होगा। इसमें ये भी लिखा है, अब जैसे इस बार वोटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, 66.8% वोटिंग हुई है, जो वोटर टर्नआउट हुआ है लगभग इतना एस्टिमेट किया जा रहा है। ये इसलिए भी माना जा रहा है कि इस पेंडेमिक कारण लगभग 2,35,000 डेथ हुई USA में, और हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके कारण भी लोग सोच रहे हैं कि नए गवर्नमेंट, पीपल गवर्नमेंट आए जिससे वो लोगों के लिए काम करे, इसलिए ऐसा किया लोगों ने, वोटिंग ज़्यादा की इस बार। इसमें ये भी लिखा है, लोकल गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर प्रिपेयर फॉर सिविल अनरेस्ट गोइंग इनटू इलेक्शन डे, कि लोगों ने, लोकल गवर्नमेंट्स और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी पूरी तरह से प्रिपेयर थे कि जो सिविल अनरेस्ट हो सकता है इलेक्शन डे पे। इसमें लिखा है कि लगभग 66.8% वोटर टर्नआउट हुआ है इस बार, जो 120 साल बाद ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा वोटिंग हुई हो, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग 100 मिलियन प्लस अमेरिकन वोटेड अर्ली, कि लगभग माना जा रहा है 100 मिलियन से भी ज़्यादा कहते हैं अमेरिकन ने वोट किया है इस बार थ्रू मेल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस बार मेल टर्न वो कहते हैं वोटर टर्नआउट हुआ है, तो लोग पीपल गवर्नमेंट चाहते हैं इसीलिए लोगों ने इतना ज़्यादा वोटिंग की है। तो हम लोग देख लेते हैं US के प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं। हाउ द US प्रेसिडेंट इलेक्ट्स, हु इज़ एलिजिबल टू रूल रन फॉर प्रेसिडेंट, की कोई भी जो एनी नेचुरल बॉर्न सिटीजन हो जो, और उसकी एज एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड हो, और वो कोई US रेजिडेंट होना चाहिए एटलीस्ट 14 साल के लिए, वो प्रेसिडेंट के लिए अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। प्राइमरी चूज विच पार्टीज नॉमनी, हु कैन वोट एंड हु कैन नाउ, कि कहते हैं कि कौन वोट कर सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और कौन नहीं। कोई भी सिटीजन हो जो कहते हैं 18 साल का हो कैन वोट। इन मोस्ट स्टेट्स प्रिजनर्स आर नॉट अलाउड टू वोट, कि जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे प्रिजनर्स को अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे प्रिजनर्स भी अलाउड हैं। इसमें ये भी दिया है, इसमें लिखा है कि वोटर्स चूज देयर प्रेफर्ड कैंडिडेट आइदर ऑन इलेक्शन डे एट अ पोलिंग स्टेशन और बाय वोटिंग अर्ली बाय मेल ऑन इन पर्सन, कि जो वोटर्स होते हैं वो प्रेफर्ड कैंडिडेट्स को अपने जो उनको चाहिए एज अ US प्रेजिडेंट, उनको पोलिंग स्टेशन जाके वोट कर सकते हैं इलेक्शन डे पे, या आप उससे पहले वोटिंग डे से पहले आप मेल इन वोट कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो मेल इन वोटिंग की जब भी क्या कहते हैं काउंटिंग हुई है तो उसमें लगभग बराबरी है, क्योंकि कुछ सीट्स है जो बिडेन आगे हैं, अभी कोई क्लियर विनर नहीं आया है, तो इसमें वही बात की गई कि कौन वोट कर सकते हैं कौन नहीं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग।
अगली न्यूज आती है, सुप्रीम कोर्ट लेस डाउन गाइडलाइंस फॉर मैट्रिमोनियल केसेस, कि जो डिसर्टेड वाइफ्स होती, चिल्ड्रन होती, इंटाइटल्स टू एलिमनी फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, सेज कोर्ट। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे हेल्ड दैट जो डिजर्टेड वाइफ्स और चिल्ड्रन है आर इंटाइटल टू एलिमनी, जो उन्हें एलिमनी मिलता है, मेंटेनेंस जो हस्बैंड से मिलता है, उनको अच्छी तरह से मिलना चाहिए। क्योंकि कुछ क्या कहते हैं, एक केस आया था एक वुमेन का, जिसमें उसने कहा कि वो उसको ये सब नहीं प्रोवाइड हो रहा उसके हस्बैंड द्वारा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है। तो इसमें वही बात की गई है कि कहते हैं कि हमने उन्होंने स्टेटमेंट में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि द व्यू दैट मेंटेनेंस ऑट टू बी ग्रांटेड फ्रॉम द डेट व्हेन द एप्लीकेशन वाज मेड इज बेस्ड ऑन द रेशनल, कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनेंस लॉ इज टू प्रोटेक्ट डिजर्टेड वाइफ्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन फ्रॉम द डेस्टिनेशन एंड प्रेगनेंसी, कि अगर जो मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं होता तो डिजर्टेड वाइफ जो क्या कहते हैं वाइफ्स हैं और जो चिल्ड्रन हैं उनके, तो वो कैसे रहेंगे, उनको कैसे वो जीवन यापन कर पाएंगे। इसमें वही बात की गई कि मेंटेनेंस प्रोवाइड होना चाहिए और जिन लोगों को नहीं मिल रहा उनको उसका कहते जो जितने सालों का नहीं मिला वो भी मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में कहा। उन्होंने ये एक एप्लीकेशन पे फाइल पूरा केस सुनाया और गाइडलाइंस दी एक वुमेन के, जिसमें उसको क्या कहते हैं उसके हस्बैंड द्वारा नहीं मिल रहा था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज आती, अमरिंदर वॉन सेंटर ऑफ फार्मर्स आयर, ही अलॉन्ग विथ MLA एंड MP स्टेज धरना अगेंस्ट स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, की उन्होंने MLA और MP के साथ मिलके स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया। इसमें लिखा है इस न्यूज़ में कि पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑन वेडनेसडे सेड नो रूलर शैल मेडल इन रिलीजियस एंड लिवलीहुड इशूज, की कोई भी रूलर क्या कहते हैं रिलीजियस एंड लिवलीहुड इशूज़ में अपना नहीं स्टैंड दिखा सकता। एंड उन्होंने वॉर्न भी किया सेंटर को कि जो उनके रिपरकशन हो सकते हैं, जो उनके एक्शन है, जो सेंटर के नए फॉर्म लॉज हैं उसके कारण जो क्या कहते हैं जो रिपरकशन होगा इन द बॉर्डर स्टेट लाइक पंजाब, जो क्या कहते हैं पंजाब जैसे क्या कहते हैं स्टेट्स में जहाँ पे फार्मिंग के लिए माना जाता है मैक्सिमम, तो वहाँ पे ये सेंटर के नए फार्म लॉज क्या कहते हैं उसके कारण जो रिपरकशन होगा फिर वो सेंटर को ही देखना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा तरह से वॉर्न किया सेंटर को, इसमें वही बताया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, NGT टू हेयर पॉल्यूशन केसेस बियॉन्ड NCR, कि NGT ने कहा कि वो पॉल्यूशन केसेस NCR के आगे भी देखेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है NGT, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे स्टेब्लिश किया गया था 2010 में अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ये सारे इन्वायरमेंटल मैटर्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड, उन पर डिसीजन देती है। ये जुडिशियल पावर एक तरह से जो डिसाइड करती है सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स को। ये वर्क करती है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में और किसी तरह का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ये बाउंड नहीं होती है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। ये ऑफिस होल्ड करते हैं 5 साल के लिए और इसमें कोई रीअपॉइंटमेंट का पर्पस नहीं होता है। चेयरपर्सन जो अपॉइंट किए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके। सेलेक्शन कमेटी बनती है, जो क्या कहते हैं सेलेक्शन कमेटी बनती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनती है टू अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। इसमें एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर अपॉइंट किए जा सकते हैं ट्रिब्यूनल में। ये जो NGT है वो सिविल केसेस में 7 लॉज के अंदर डील करती है। जो 7 लॉज है ये है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द इसी तरह से एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द वायर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लेबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये 7 लॉज है जिनको ध्यान में रखते हुए और जिनके ज्यूरिडिक्शन पे ही NGT अपने केसेस को डील करती है जो सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स आते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, EQI डेट्रोइट्स रिमेंस इन वेरी पुअर कैटेगरी, कि न्यू दिल्ली में अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पे और ज़्यादा वर्सन किया है और ख़राब हुआ है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन के कारण और जो स्टबल बर्निंग है उसके कारण और डिटोरेट किया है और कहते हैं अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहता है AQI, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है फॉर रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी। ये मेजरली फोकसेस करता है हेल्थ इफेक्ट्स वन माइट एक्सपीरियंस, की क्या हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है इस क्या कहते हैं
अगर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा वर्सन हो गई तो क्या इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे पड़ेगा, उस पर ये मेनली फोकस करता है। 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स जिनको ये नापता है, ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल्स। ये जो दो हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल, ये मेजर टू पॉल्यूटेंट्स हैं जो ग्रेटेस्ट थ्रेट हैं, जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ को डैमेज करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, 56% माइग्रेंट्स हु वेंट बैक टू MP अनएम्प्लॉयड। ऐसा स्टडी में माना गया है, जो 56% माइग्रेंट्स वापस जो आए हैं और अलग अलग स्टेट से MP में, मध्य प्रदेश में, वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। ऐसा इसमें कहा गया कि 19% ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे MP में जिनको मॉनेटरी रिलीफ जो प्रॉमिस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी नहीं मिला है। तो इसमें ये सोचने की बात है कि अभी भी वहाँ पे कोई स्टेप नहीं लिया गया जो माइग्रेंट्स वर्कर्स वापस आए उनके लिए, कि वो उनको जॉब मिल सके, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कि वो जाए ना वापस कहीं, वहीं पे एम्प्लॉयड हो जाए। तो उसके लिए कोई स्टेप लिया नहीं गया अभी भी मध्य प्रदेश द्वारा, ऐसा इसमें बताया गया। इसमें वही कहा गया, 56% लगभग लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड है और 90% लोग ऐसे हैं जिनको जो गवर्नमेंट मॉनेटरी रिलीफ फंड जो था, कहते लोगों को सहायता प्रोवाइड हो रही थी गवर्नमेंट द्वारा, वो बिल्कुल नहीं मिला 90% लोगों को। इसमें लिखा है वही कि 67% ऑफ द 1500 रिस्पॉन्डेंट हु रिटर्न इन मई जून अक्रॉस मध्य प्रदेश डिमांडेड अर्जेंट रिलीफ टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, की उन्होंने डिमांड किया था, लेकिन अभी भी 90% लोगों को वो फंड नहीं मिला गवर्नमेंट द्वारा कि वो अपने कितने घर चला पाए, उनको अलग स्टेप्स लेने पड़े, ऐसा इसमें बताया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम। आज का पहला एडिटोरियल आता है ऑथोरिटेरियन टर्न की। ऑथोरिटेरियन टर्न क्या कहते हैं, इसमें वही बात की गई है कि US प्रेसिडेंट इलेक्शन के ऊपर, कि जो रिपब्लिकन पार्टी के जो हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और जो डेमोक्रेटिक चैलेंजर हैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन, दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ है। लगभग बराबरी है इस वक्त, जो बिडेन आगे भी है। तो इस पर प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ फ्रॉड हुआ है, क्या कहते हैं, वोटिंग में, जिसके कारण उनकी वोटिंग कम आई है, ऐसा उनका कहना है। तो इसमें पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई है कि उन वो जा सकते हैं कंप्लेंट करने, 2020 जो इलेक्शन चल रहा है अभी भी, जो वोटिंग चल रही है, तो उस पर, उस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट। ये तीन मेजर जो ब्रॉड ऑब्जर्वेशन है इस इवेंट्स के, वो है पहला कि इट इज़ अनक्लियर वाई मिस्टर ट्रम्प कुड अटैक द वोट टेलिंग प्रोसेस, कि पहला रीज़न हो सकता, पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प, जो वोट टेलिंग प्रोसेस है उसको क्यों टारगेट कर रहे हैं। सेकेंड हो सकता है, स्टेटमेंट इज टेंटरमेंट टू अ डिमांड दैट लीगली कॉस्ट बैलेट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड व्हिच इज ट्रू इम्प्लाइज एन अनप्रेसिडेंट अटेम्प्ट एट मास वोटर सप्रेशन, कि कहते हैं कि जो उनका ये भी एक होता सकता है कि उनकी स्टेटमेंट कारण, क्या कहते हैं, जो बैलेट से कास्ट बैलेट्स वो रिकॉर्ड ना किए जाए और जो मास वोटर सप्रेशन उसको देखा जाए, ऐसा हो सकता है। थर्डली ऑब्जर्वेशन ये भी देखा गया है कि मिस्टर ट्रम्प अपियर्स इन इंटेंट अपॉन एस्केलेटिंग द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, कि ऐसा भी लग रहा है कि मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाए, और इस तरह के एक्शन के कारण कुड बी अनदर 4 ईयर ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उसके कारण ये जो अगले 4 साल है फिर से ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन रहे, इसलिए भी वो ऐसा चाह रहे हो, क्या कहते हैं। इसलिए ये तीन ऑब्जर्वेशन देखे गए हैं कि इस, क्या कहते हैं, जो ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हुई है उस पर, कि ये क्यों हो रहा है। ये तीन ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, इनमें से कोई हो सकता है कि इसके कारण मिस्टर ट्रम्प जाना चाह रहे हो। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, अगला एडिटोरियल। अगला एडिटोरियल आता है, फिक्सिंग द रूल्स ऑफ द इकोनॉमी, कि द फंडामेंटल्स ऑफ द गेम हैव टू चेंज एज दे करेंटली फेवर वेल्दी इन्वेस्टर्स एंड नॉट वर्कर्स एंड टाइनी एंटरप्राइजेस, किसमें कहा गया है कि जो फंडामेंटल्स ऑफ द गेम है उनको फेवर नहीं करना चाहिए वेल्दी इन्वेस्टर्स को और वर्कर्स को और जो छोटे इंटरप्राइजेस उनको, ऐसे ऐसे बताया गया। तो इसमें रूल्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताया गया कि जो इकोनॉमी के रूल्स हैं उनको फिक्स करना चाहिए। इसमें लिखा है कि इंडिया ने, जैसे हम सभी जानते हैं, कि इनकम क्राइसिस देखा है कि जो जॉब्स में लोग थे वो लोग वापस गए लॉकडाउन के समय, और क्या कहते हैं, लोगों की जॉब्स, क्या कहते हैं, सैलरी कट हुई है, कहते हैं कि कोरोना के नाम पे, कि हम कोरोना में इतना वर्क नहीं हो पाया लॉकडाउन के कारण, इसलिए हम आपकी सैलरी इतने परसेंट काट रहे हैं, ऐसा हमने देखा है। लोगों की जॉब्स, क्या कहते हैं, गई भी हैं, लोगों को हटाया गया जॉब से कि हमारे पास इतना वर्क नहीं कि हम आपको रख सकते, इस नाम कहे हुआ है। तो इस पर इकोनॉमिक्स का कहना है कि मार्केट शुड बी फीड अप फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कि
इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि मार्केट को पूरी तरह से फ्री आप कर दीजिए आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, इसमें वही बात की गई। इसमें भी कहा गया इनफैक्ट इट इज़ द इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इनकम्स, की अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इनकम होगा जिससे का इन फ्यूचर और दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम धीरे धीरे इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से आप इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हैं? अभी भी जो लोग हैं उनकी जॉब्स जा रही है, उनकी सैलरी कट हो रही है, तो किस तरह से इकोनॉमी रिवाइव हो रही है? इसमें यह भी लिखा है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज की टू इकोनॉमिक प्रोसेस। जब हमें क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी हम मान सकते हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है, रिवाइव हो रही है। जब तक प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ेगी तो किस बात की इकोनॉमी इम्प्रूव, इसमें भी बात की गई। इसमें यह भी लिखा गया है ब्रॉड स्ट्रेटजीज में अप्लाई किया जाता है प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय बढ़ाने के लिए। इसमें एट लास्ट इसमें कहा गया है कि द पावर बैलेंस मस्ट शिफ्ट, कि स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड वर्कर्स मस्ट कंबाइन इनटू लार्जर एसोसिएशन इन न्यू फॉर्म्स यूजिंग टेक्नोलॉजी। जिससे क्या कहते हैं जो पावर बैलेंस होना चाहिए, जो स्मॉल एंटरप्राइजेज और जो वर्कर्स हैं वहाँ पे वर्क करते हैं उनको लार्ज एसोसिएशन के साथ मिल के क्या कहते हैं वर्क करना हो जाए टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे वो अपनी नीड्स और राइट्स को बता सके और इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो फिर से उनकी जॉब्स ना जा सके। कुछ स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट्स को कि ये हायर एंड फायर जो स्ट्रेटजी होती है कभी भी किसी को एम्प्लॉय कर लिया किसी को हटा दिया, इसके लिए भी कुछ लॉस टाइप के कुछ रूल्स आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे, तभी हम इस तरह की जो जॉब्स से हटाया जाता है लोगों को उसको रोक सकेंगे। तो इसमें यही बात की गई है, पूरे एडिटोरियल में यही बात है, लोग कैसे इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे ऐसा इसमें बताया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है चाइना रिमेन्स क्वाइट ऑन पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान मूव, कि चाइना अभी भी शांत है जो पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान मूव हुआ कि उसे अपनी टेरिटरी में ले जाने के लिए। रिस्पॉन्स इज इन कंट्रास्ट टू इट्स पोजिशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन। ऐसा कहा जा रहा है कि रिस्पॉन्स उनका इस तरह लिया है जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गनाइजेशन है उसके कारण। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है गिलगित और बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, कि जैसे हमने देखा कि अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसे अपने रीजन में जोड़ने की बात की है, उसे एक तरह से प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस प्रोवाइड करने की बात की गई है। अगर वो जुड़ता है तो वो सिक्स ऑफिशियल प्रोविंस होगा पाकिस्तान का। अब गिलगित बल्तिस्तान जो नॉर्थ मोस्ट टेरिटरी है जो एडमिनिस्टर्ड है पाकिस्तान के द्वारा, वो ओनली टेरिटोरियल फ्रंटियर है, वो सिर्फ फ्रंटियर के रूप में प्रोवाइड करता है उसको एक, और एक लैंड रूट विद चाइना है जहाँ पे जिनपिंग जो जिंग जियांग है ऑटोनोमस रीजन है। ये रीजन जो है वो इलीगली ऑक्यूपाइड है इंडियन टेरिटरी द्वारा, और उसे एक बार समय पे पार्ट भी था वो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के, लेकिन एज इट एग्जिस्ट इन 1947 एट इट एसेशन टू इंडिया। ये गिलगित बल्तिस्तान वेस्ट इज अफगानिस्तान, उसके वेस्ट में अफगानिस्तान है, साउथ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ईस्ट में जम्मू कश्मीर। इसका करेंट स्टेटस क्या है कि दो पाकिस्तान लाइक इंडिया लिंक्स जम्मू वो गिलगित बल्तिस्तान फे टू दैट ऑफ कश्मीर, की गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का ही पार्ट मानते हैं और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन पीओके, और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट पूरी तरह से अलग है पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे। 2009 से पहले रीजन को पूरी तरह से नॉर्दर्न एरियाज के रूप में माना जाता था, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने कहा कि वो एक इलेक्टेड बॉडी की ज़रूरत है जो पूरी तरह से एडवाइजरी रोल के रूप में वर्क करे इस्लामाबाद के लिए। इसे अलग स्टेटस क्यों मिलना चाहिए? पाकिस्तान सेपरेट अरेंजमेंट विद गिलगित गोज बैक टू द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच केम टू एडमिनिस्टर, कि जब नवंबर 1, 1947 में जम्मू कश्मीर के जो रूलर थे हरी सिंह हैड साइंड द इंस्ट्रक्शन एसोसिएशन विद इंडिया, उसमें लीज टू ब्रिटिश बाय हरी सिंह 1935, कि उस वक्त गिलगित को क्या कहते हैं लीज पे दिया गया था ब्रिटिश द्वारा हरी सिंह को 1935 में, क्या कहते हैं कहते हैं उस वक्त हरी सिंह ने 1935 में ब्रिटिश को दिया था, लेकिन ब्रिटिश ने अगस्त 1947 को हरी सिंह को वापस कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान डिड नॉट एक्सेप्ट कहते जो ये बात हुई उसको एसेशन को जो हरी सिंह ने इंडिया को अपना जोड़ने की बात की जम्मू कश्मीर को, तो इसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसमें वही बात की गई है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ के लोग चाहते हैं कि उसे एक इट मे बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान सिंस देयर इज वर्चुअल नो कनेक्ट विद इंडिया, कि पाकिस्तान का उसे पार्ट बना देना चाहिए क्योंकि कोई भी कनेक्ट
इंडिया के साथ उसका कोई कनेक्ट नहीं है, तो पाकिस्तान के ही उसे पार्ट बना दीजिए। दे बिलोंग टू सेवर नॉन कश्मीरी एथनिसिटी, कुछ लोग वहाँ के जो हैं वो वेरियस लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे नॉन कश्मीरीज भी हैं और कुछ कश्मीरीज भी हैं। और मेजोरिटी ऑफ द एस्टिमेटेड 1.5 मिलियन जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे, वो शियाज हैं। और देयर इज एंगर अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर अलीजिंग एक्सट्रीमिस्ट सेक्रेटरी मिलिटेंट ग्रुप दैट टारगेटेड शिया ई वहाँ पे। और माना जाता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो शिया को टारगेट करते हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ जोड़ना भी एक तरह से टेरर खतरे का हो सकता है, इसलिए ये बात की गई इसमें। इसीलिए इसमें कहा गया देर इज अ मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट बट इट हैज़ वेरी लिटिल ट्रैक्शन, कि वहाँ पे कई बार मूवमेंट हुआ है इंडिपेंडेंस के लिए कि उसको अलग कर दिया जाए, उसको अलग कंट्री मिलनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट में हुआ और उसे कोई इतना ध्यान नहीं दिया गया। तो जब लार्ज अमाउंट में जब एक्शन होगा, मूवमेंट होगा, तभी ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं तो पाकिस्तान का ही धीरे धीरे पार्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।